अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। ये सवाल कल करा रहा था, इस सवाल को पूरा करने पे जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करता हूँ। होमवर्क कर लिए सारे? सही नहीं, कौन सा वो कौन सा सही? 20 नहीं, गड़बड़ है ना, बहुत बहुत गंभीर किस्म का सवाल था। ये लोटस एंटरप्राइजेज वाला सवाल कल करा था बोर्ड में, और लोकल सप्लाई तक कर लिया। लोकल सप्लाई वर्किंग मैंने इसकी मिटाई नहीं थी, ये यही है। आपको कहा था सवाल दोबारा देख के आना। जिन्होंने अभी तक ये सवाल दोबारा नहीं देखा वो पहले लेक्चर ही रोके, सवाल दोबारा देखें, सवाल दोबारा पढ़े, सवाल दोबारा पढ़े, जितना सोल्यूशन किया था यहाँ तक देखें, फिर से आगे मैं चलता हूँ। हाँ, दोबारा करने की क्या? कौन सी चीज़ की आइडिया मिला बताऊँ? जी आइडिया इंपोर्टेड इंपोर्टेड के लिए तकरीबन सेम पैटर्न था, इसलिए मैं इसी वर्किंग के सामने ताकि आप लोगों को बार बार रेफर कर सकूं। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2016 की 900 में से 60% लोकल था, तो 900 में से 40% इंपोर्टेड होगा, कितना? 160 2017। इसमें भी महंगाई हो रही है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड वाला भी महंगा हो रहा है कि नहीं? मटेरियल की महंगाई सिर्फ लोकल के लिए थी कि इंपोर्टेड के लिए भी है? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो मटेरियल बढ़ेगा वो सिर्फ लोकल की बात की, दोनों किया ना। पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये तो नहीं कहा कि सिर्फ लोकल बढ़ेगा, बस मटेरियल बढ़ेगा, तो 10% महंगाई इंपोर्टेड में भी है। अच्छा, पिछले साल इंपोर्टेड का स्टॉक था, इंपोर्टेड का स्टॉक नहीं था 16 कैन पे तो इसका मतलब ये मसला यहाँ भी आएगा कि कुछ पुरानी पड़ी हुई सस्ती चीजें होंगी, सारी की सारी अगर महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, तो ये मसला यहाँ पर भी आएगा। तो बिल्कुल इस तरह इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले एक बार प्राइस चेंज इग्नोर कर देते हैं, पहले मैं प्राइस चेंज इग्नोर कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2017 की, पिछले साल अगर 360 थी, तो अगर ज्यादा चीजें बनेंगी तो ज्यादा चीजें मटेरियल भी ज्यादा लेंगी, तो 1.3 यहाँ भी होगा। 1.3 क्यों किया था? ज्यादा चीजें बिकेंगी तो ज्यादा चीजें बनेंगी, ज्यादा चीजें बनेंगी तो फिर मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, तो ये जो 30% वॉल्यूम चेंज था ना, ये कितना होगा? 468। पहले से कुछ सामान पड़ा हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, बिल्कुल है 98, तो ये इस्तेमाल होगा पहले। क्लोजिंग कितना होगा? बिल्कुल सी कितना निकालने लगा मैं, दो तरीकों से निकाला था, या तो जो स्टॉक था और जो कंजम्पशन थी, यही रेशियो 468 पे अप्लाई कर दें, या फिर 98 को 1.3 कर दें, बिल्कुल जैसे कल किया था 127.4।
कितना है 497.4, ठीक है, निकलें परचेजेस निकलें, जो हम 17 में परचेजेस करेंगे वो आ गई, जो हमें 17 में मटेरियल चाहिए होगा वो आ गई। ये वाली वर्किंग द्वारा देखिए, हमें 17 में इतना मटेरियल इस्तेमाल करना है, इतना मटेरियल 17 के शुरू में पहले पड़ा होगा ये इस्तेमाल हो जाएगा, इतना हमने क्लोथिंग रखना होगा इसका मतलब इतना खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारी 17 की परचेजेस आ गई। लोकल से इसमें एक चीज और डिफरेंट है, वो ये कि हम लोग इंपोर्ट को पहले एडवांस के थ्रू किया करते थे, पिछले साल तरतीब ये थी कि हम ट्रेडर को सारा का सारा एडवांस दिया करते थे 100%, और फिर उसके महीने बाद चीजें दिया करता था। इस बात में लिखा 16 में कोई एडवांस दिया था, 16 कैंटो को एडवांस दिया था, टेबल पे कहीं है कितना, पहले हम लोग 100% एडवांस देते थे फिर चीजें आती थी, तो हमने अगर 16 कैंटो एडवांस दे रखा हुआ है तो वो चीजें आनी अभी आ गई हैं, आनी है, और हमने जो एडवांस दिया होगा वो पुरानी प्राइस ही होगी, नई वाली महंगी होगी, पुरानी प्राइस होगी, अब वो चीजें अभी आनी है तो उनके और पैसे देने पड़ेंगे हमें। नहीं, दोबारा सुनिए पॉइंट, हमने 2017 में इतनी चीजें इस्तेमाल करनी है, रुपए इतने रुपए की चीजें इस्तेमाल करनी है, इग्नोरिंग प्राइस चेंज, इतने रुपए की चीजें इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल कंज्यूम, इतना पहले से पड़ा होगा इस्तेमाल हो जाएगा, तो इनका जो नेट आंसर आएगा उसका मतलब नहीं खरीदनी होंगे, नहीं खरीद के इस्तेमाल करनी होगी, ये क्या है जो खरीद के रख लेनी है, इसका मतलब इतनी चीजें हमें 17 में खरीदनी है, ये वो चीजें हैं जो हमें 17 में इन चाहिए या वो चीजें जो हम सोचेंगे अच्छा खरीदें कि ना खरीदें, 17 में इतनी चाहिए जो 17 में हम खरीदेंगे हम तक पहुंचेंगे, परचेज भैया हम तक पहुंचेंगे, तो ये वो है जो हमें 17 में मिलनी है, तो वो जो 16 में एडवांस पैसे दिए हुए वो चीजें 17 में ही मिलनी है ना, यानी इस 497 में से 30 ऐसा है जो एडवांस के मिल जानी है चीजें, जो बाकी रह गया ना 467.4, यार फिगर सी मुझे अच्छी लग रही है, ये जो बाकी 467.4 रह गया ये वो चीजें हैं जो हम बाकी मार्केट में जाके और खरीदेंगे, ये एडिशनल परचेजेस हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, और जब इन एडिशनल परचेजेस को अब इंपोर्ट करने जाएंगे तो इसी रेट पे मिलेंगे या महंगी मिलेंगी, हम इतनी परचेजेस और इंपोर्ट करेंगे ना, लेकिन हमें 17 में इतनी परचेजेस करनी है, हमने इतनी परचेजेस करनी थी, इतने के पैसे पहले दिए थे वो तो पहुंच जाएंगी, बाकी है जो हमें नई इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और नई इंपोर्ट जब करने जाएंगे तो वो हमें महंगी वाली मिलेंगी, तो एडिशनल परचेजेस जो हैं जो कि इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन 467.4 × 1.1 ये होंगी जो हमें मजीद नई परचेजेस करनी पड़ेंगे। अच्छा, टोटल परचेजेस 17 में कितनी करने होंगे, ये और ये 30 के पैसे पहले दे चुके थे वो भी अब परचेज होंगी, और ये तो वैसे ही नहीं परचेज करनी, ये होगी परचेजेस। 17 में कैश कितना जाएगा, 17 में कैश कितना जाएगा, देना होता था। अब हम लोग जितनी भी इंपोर्ट करेंगे, पहले क्या होता था, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे और 30 डेज का एडवांस देते थे, 30 डेज का एडवांस लिखा हुआ ऐसा लिखा हुआ कि एडवांस देते थे और 30 डेज बाद ऑर्डर डिलीवर होता था। Ali has negotiated with the foreign suppliers and agreed that from next year, yani 2017, payments would be made on receipt of goods. Yani ab hum cheeze khareedenge, hum tak cheeze pahunchengi to paise denge. Ab humne terms agree karni change. To hum tak 17 mein itni cheeze pahunchi hai na? To import hai na? Ye import hi ki baat ho rahi hai. Advance kitna jayega? Kitna 40% advance jayega? Nahi nahi, 40% nahi advance jata. 40% of raw material consumed is imported. Ye import hota hai. Ab jo import hota hai, which is ki wo advance payment hoti hai. तो एडवांस पेमेंट सारी इंपोर्ट की होती है। अब हमें 2017 में इतने रुपए की चीजें खरीदनी है, इसमें से इतनी चीजें तो पहले ही एडवांस ऑर्डर दे चुके हैं, वो बस पहुंचेंगे और परचेजेस डेबिट हो जाएंगे, तो ये वो परचेजेस हैं जो हमें नहीं करनी होंगी, और अब जब नई परचेजेस करनी होंगी तो ऑर्डर देंगे, चीजें पहुंचेंगी तो पैसे दे देंगे, यानी कैश परचेजेस। तो अगले साल हमारी जैसे कैश कितना जाएगा, यही 514 जाएगा, तो इंपोर्ट्स के ऊपर 514। और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और मामला ये इंपोर्ट करेंगे, चीजें हमें मिलेंगी पैसे देंगे, तो हम इंपोर्ट इस साल इतनी करेंगे, ये इग्नोरिंग प्राइस चेंज थी, इन्फ्लेशन के साथ है, इतनी चीजें परचेज करेंगे, इतने ही पैसे दे देंगे, तो वो पेमेंट्स मिल जाएगा।
मटेरियल के बाद आगे क्या है, सवाल में आगे चले, मटेरियल हो गया आगे, कन्वर्जन। अच्छा कन्वर्जन वेरिएबल भी है फिक्स भी है, तो मैं भी इनको अलग अलग लेके चल लेता हूँ, वेरिएबल कन्वर्जन और फिक्स कन्वर्जन। फिर इसी तरह से यहाँ आया हूँ तो लिख लेता हूँ, वेरिएबल ऑपरेटिंग और फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो वेरिएबल कन्वर्जन को कह लेता हूँ वर्किंग 4, इसको वर्किंग 5, इसको वर्किंग 6 और इसको वर्किंग 7। चलिए अब ये वर्किंग करता हूँ, ये बता दूँ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग 4। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर होगी इसमें, इसमें वेरिएबल ओवरहेड होंगे, तो अब हम निकालते हैं किसके लिए कैश कितना जैसे जाएगा, क्योंकि कैश बजट बना रहे हैं ना। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल की तो दी हुई है, उसे हम अगले साल का अंदाजा लगा लेते हैं। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल की कितनी थी, 570, ये होगी पिछले साल की। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 2017 की कितनी होगी, अब ड्राइव ब्रैकेट को और से देखना, देखते जाए जितनी पिछले साल थी कितनी, 570। ये पर यूनिट चीज है, ये टोटल है, टोटल है ना। पिछले साल कितनी कन्वर्जन कॉस्ट थी, अगर कोई महंगाई ना होती और नंबर ऑफ यूनिट भी चेंज ना होते तो 17 में भी कितनी कन्वर्जन कॉस्ट होती, 570 ही होती। लेकिन जो कि सेल्स 30% ज्यादा होनी है तो गुड्स 30% ज्यादा बननी है, गुड्स बनाने के खर्चे 30% ज्यादा होने हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी 30% ज्यादा होगा कि नहीं, वेरिएबल है भाई। चीजें ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा बनेंगी तो वेरिएबल खर्चे उतने ज्यादा नहीं होंगे, वेरिएबल जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी वेरिएबल खर्चे उतने ज्यादा होंगे, तभी तो मटेरियल भी 30% बढ़ाया था। तो चूंकि ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है यानी लेबर है इसमें और वेरिएबल ओवरहेड है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो खर्चे भी तो ज्यादा होंगे ना, क्यों होंगे, तो इसलिए ये 30% ये भी ज्यादा होगा, ये हो गया 2.3। फिर इसके अलावा महंगाई भी होनी है कि नहीं, कितनी, 8%, ये आ गई महंगाई। ये वाली फिगर वही है जो मैं कल बार बार समझा रहा था कि पिछले साल की वैल्यू, जो कि देखिए ये टोटल वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, यूनिट्स और रेट मिला के, रेट महंगा हो रहा है वो भी डाल दिया इसमें, क्वांटिटी बढ़ी है वो भी डाल दिया, तो अगले साल की कन्वर्जन कॉस्ट ये होती, अगले साल की कन्वर्जन कॉस्ट ये होती। पॉइंट नंबर 2 का क्या इंपैक्ट होगा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखिए क्या इंपैक्ट है इसका। हाँ जी पॉइंट टू का क्या करें, पॉइंट टू का क्या करें, पॉइंट टू में लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है, अगले साल ज्यादा हो जाएगी, तो उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, इकोनॉमी स्केल क्या होगी, जब हम ज्यादा बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उसमें फायदा ज्यादा होता है, बरकत पड़ जाती है, उससे क्या होगा कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। तो ये हम कह रहे हैं बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, इतनी पिछले साल कन्वर्जन कॉस्ट थी, अगले साल यूनिट्स और बनाएंगे तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये यूनिट्स बढ़ा दिए, और बिजली के रेट, लेबर के रेट महंगे भी होंगे, महंगाई होगी। पॉइंट टू में क्या लिखा है, पॉइंट टू में लिखा हुआ है कि पर यूनिट बनाने का जो खर्चा आता था, अब वो पर यूनिट खर्चा कम हो जाएगा, यानी लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, तो इसमें कमी आएगी, इसमें कमी आनी है 5%, क्या करूं, पॉइंट नंबर, ये 2017 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट होगी कितनी, 760.27, ठीक है कैलकुलेशन यही है। अब ये दो फिगर्स हमारे पास आ गई, इनसे हम पेमेंट्स बना लेते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन के लिए पेमेंट का क्या आ गई है। पॉइंट नंबर 4, एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट यानी मटेरियल के अलावा 25 दिन थे और 25 ही रहेंगे, वो रिमेन द सेम, 25 दिन ही होते थे 25 दिन रहेंगे, तो 25 दिन क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब है कि 2016 में जितने एक्सपेंसेस थे उनमें आखिरी 25 दिन के एक्सपेंसेस की पेमेंट 17 में आएगी, और जो 17 के आखिरी 25 की अगले साल चली जाएगी, तो इस साल में कितने होंगे, 335, तो 335 दिन 2017 के और 25 दिन 2016 के, यानी 570 अगर 360 दिन का है तो 25 दिन का कितना, 760.27 अगर 360 दिन का है तो 335 दिन का कितना, 39.58, 707.47, तो पेमेंट हो गई 747.05, ये हो गए पेमेंट फॉर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। फिक्स कन्वर्जन देखते हैं, फिक्स कन्वर्जन 2016 में कितनी थी। अच्छा हम ये वर्किंग जो फिक्स कन्वर्जन की करने लगे, जो इसका आंसर आएगा वो जान लूंगा ना, पेमेंट है ना, ये
लेकिन जो सवाल में फिक्स कन्वर्जन दी हुई है उसके साथ देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं ना कैश में आती, तो मैं इस वर्किंग के अंदर जो फिक्स कन्वर्जन ले रहा हूँ वो अदर देन डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वर्किंग कर ही रहा हूँ कि कैश कितना लिखना है। तो अदर देन डेप्रिसिएशन 2016 की फिक्स कन्वर्जन कितनी थी? 40 में से 16 गए 24, 17 में कितनी होगी फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन? 17 में कितनी होगी? महंगाई होगी अगले साल कितनी? 1.08। और वो जो वॉल्यूम 30% बढ़ा है उसका फर्क भी आएगा, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। तो सिर्फ महंगाई जो 30% चीजों का वॉल्यूम बन रहा है कि चीजें ज्यादा 30% बिकेंगी तो बनेंगी तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो है ही फिक्स्ड, इसलिए क्योंकि फिर वॉल्यूम बढ़ने का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2017 में फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे फिर? 25.92। ये है 2016 का खर्चा, यह है 2017 का खर्चा, और पेमेंट्स बिल्कुल ऐसी हैं, क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है कि पेमेंट्स ऑफ अदर कॉस्ट, तो अब जितनी भी कॉस्ट है सबके लिए यही तरतीब चलेगी। क्या तरतीब चलेगी? 25 दिन 2016 में से और 335 दिन 2017 में से, तो 24 में से 25 दिन और 25.92 में से 335 दिन। 24 में से 25 दिन कितने होंगे? 24.12, 25.76। ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन द्वारा चेक करना, 7 है ना? हाँ, मुझे ना ये याददाश्त में नहीं आ रहा था। नहीं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये सारी कॉस्ट ना बिल्कुल जैसे ऐसे होने लगा, बल्कि नोट कर लो, मैं चेंज कर देता हूँ। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट करने लगा है? अच्छा, ये सवाल मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन बजटिंग में भी ऐसे ही होता है, इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन ही चलती है। ये ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, देखो ज्यादा नंबर का नुकसान होता है, कम नंबर का फायदा, जाएंगे तो थोड़े जाएंगे। कॉस्ट पूछते हैं, चलिए वर्किंग 6, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2016 में कितनी थी? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2016 में कितनी थी? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2017 में कितनी होगी? पिछले साल अगर 730 थी, तो चूंकि वेरिएबल है, आप इसकी मिसाल समझ लें, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेल्स 30% बढ़ेंगी, तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 30% की 1.3 हो गया, और महंगाई तो होनी ही है। और वो जो मैंने वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट ने 7.95 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी करूं क्यों? क्योंकि इस पे कहा हुआ था कि कन्वर्जन कॉस्ट ये कितना हो जाएगा? तो 730 में से 25 दिन और 1024.92 में से 335 दिन।
निकल गई कैलकुलेशन इधर क्या है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मैंने कर ली कैलकुलेशन कितना 93 और अगले साल ये 93 बस सिर्फ महंगा हो जाएगा फिक्स्ड कितना 100.44 इस 93 में से 25 दें और 100.44 में से 335 दें 6.46 और 99.93 ठीक ये बन गया आउटफ्लोस कोई और एक्सपेंस तो नहीं रह गया नहीं कितना हो गया सर टोटल 3168.35 और रिसीट्स और आउटफ्लोस का नेट टोटल हो जाएगा नेट कैश इनफ्लो 744 और ओपनिंग बैलेंस होता तो वो भी लिख देते नहीं है तो बस कैश बजट खत्म हो गया ये है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ही एक और जैसा सवाल कराऊंगा फिर कल एक और जैसा सवाल कराऊंगा फिर कैश बजट बहुत बल्कि वो भी दे दूंगा इसका जैसा इसके तरह का एक सवाल और मैं कराऊंगा बल्कि भी करने दूँगा हाँ जी सही है कोई बात नहीं कितना को फंडा सेवन डबल फोर पॉइंट थ्री नहीं आ रहा है ऐसे हो सकता है पुराने कॉपी में ज़्यादा बाकी हो बाकी फिर देख लो हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पुराने कॉपी सही है हाँ ठीक है ये है जी ऑटम 16 अच्छा एक मैं इसका और करने लगा हूँ लेकिन उससे पहले जो आपको ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल दिया था टेनिस ट्रेडिंग हो गया पहले वो करते हैं डिस्कस इसमें मैं समझ बता देता हूँ जो जो मसले मेरे ख्याल में होने थे आपको बता देता हूँ उसके अलावा कोई और मसले हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा आसान था वैसे कुछ ये कैश बजट काफी सवाल था कैश बजट नहीं आया तो अब आने के चांसेस हैं अच्छा जी टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड आपने किया होगा मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट आसान था मैं फिर भी इसमें जो चीज़ें मुझे लगती मैं बता रहा हूँ इनकॉर्पोरेट हुआ था बिजनेस सेप्टेंबर में लेकिन उसने काम अक्टूबर में शुरू किया था तो आपको इसीलिए जो सेप्टेंबर में कैश सेल्स वगैरह कोई नजर नहीं आ रही क्योंकि उसने काम जो है वो शुरू ऑपरेशन वगैरह शुरू ही अक्टूबर में किए ट्रेडिंग उसने अक्टूबर में शुरू किए तो जो पैसा है चीजों से वो अक्टूबर में आ रहा है सेप्टेंबर में नहीं आ रहा पहले बात कर लेते हैं सेल्स की सेल्स अक्टूबर की बताई हुई थी उसके बाद कहा था कि 2.5 मिलियन पर मंथ बढ़ती जाएंगी नवंबर दिसंबर जनवरी उसके बाद फिर फरवरी ऑनवर्ड सेल 25 तक हो जाएंगे तो सेल्स की जो वर्किंग बन की हुई है इसमें 12 मिलियन अक्टूबर की है फिर वो 2.5 बढ़ के 17.5 हो गया फिर 2.5 बढ़ा 17 हो गया फिर 2.5 बढ़ा 90.5 हो गया उसके बाद वो 25 मिलियन पे चला गया फिर हर महीने 25 मिलियन ही रहेगा ये पॉइंट नंबर 2 में क्लियरली लिखा हुआ फिर उसके बाद इनका 30% कैश सेल्स है तो हर महीने की सेल्स निकालने के बाद जैसे पहले भी हम करते हैं उसका 30% लेते गए तो वो कैश सेल्स में लिख दिया सितंबर खाली है क्योंकि सितंबर में सेल नहीं है फिर डेटर्स का क्या किया डेटर्स के बारे में लिखा हुआ था कि जो डेटर्स हैं वो अगले महीने पैसे दे देते हैं तो जो पिछले महीने की सेल थी उसका 70% क्रेडिट सेल हो गई और वो अगले महीने में लिख दी तो ये ऊपर कैश के फेस के ऊपर ही उन्होंने कह दिया ब्रैकेट के अंदर के सेल ऑफ प्रीवियस मंथ इनटू 70% तो पिछले महीने की 70% क्रेडिट सेल और पैसे मिलने के अगले महीने तो अक्टूबर में जो पैसे मिलने हैं वो जीरो है क्योंकि सितंबर में सेल ही नहीं हुई तो अक्टूबर की सेल के पैसे नंबर में तो देखेंगे डेटर के पैसे पर नंबर ऑन बढ़ा है ये हो गए रिसीट्स पेमेंट वाली साइड देख लेते हैं परचेजेस 2 महीने बाद पैसे होने और स्टॉक है स्टॉक कितना है अगले महीने की सेल का 80% ये पहले भी 2 साल में डिस्कस हो चुका है कि अगर सेल्स का 80% है तो असल में वो सेल नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% तो पहले हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचेंगे और उसके लिए पॉइंट नंबर 6 में बताया गया कि जीपी मार्जिन 30% देखिए वर्किंग 2 के अंदर सेल्स का 70% लिया तो हर महीने की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई अच्छा ये ना जो आईका का सॉल्यूशन है उसमें कोई कॉलम शायद ये जो सेल वाली है ना ये कॉलम थोड़ा आगे पीछे हो गए ये आप जिनके पास पैक की बुक है और मेरे ख्याल में आईके में भी सॉल्यूशन इसी तरह से ही है उनकी हेडिंग्स क्योंकि नहीं लिखी हुई इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट को मैं आपको कॉलम की हेडिंग बता देता हूँ वर्किंग 2 के अंदर और वर्किंग 1 के अंदर राइस की बुक में वो है कॉलम की हेडिंग्स जी और परचेज नहीं लेकिन ये जो पैक की बुक में है और आईके में भी ये मुझे लगता है कुछ थोड़ी हेर फेर हो गई है कॉलम की जो लोग पैक की बुक सॉल्यूशन देख रहे हैं उसमें ना महीने आगे पीछे हो गए तो ये आप हाथ से लिख लीजिएगा ये जो वर्किंग 1 के अंदर मंथली सेल लिखी है 12 ये अक्टूबर है तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है लेकिन जो नीचे परचेजेस वाली जगह पर आप देखेंगे
पहले में डैश लगा हुआ है, दूसरे में 8.4 लिखा हुआ है, वो महीने पर सितंबर और अक्टूबर वगैरह है। तो ये ना जिनके पास पैक की बुक है, पेज 265 पे बता रहा हूँ, वर्किंग वन मंथली सेल में महीनों के नाम ऊपर लिख रहे हैं, कुछ कॉल आगे पीछे हो गए, 12 सितंबर में है, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और वर्किंग टू जो है उस पर जो पहला डैश वाला कॉलम आ रहा है ये सितंबर का है, जिनके पास पैक का सॉल्यूशन है, वर्किंग वन 12 जो फिगर है उसके ऊपर अक्टूबर है, आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये वर्किंग वन के कॉलम के नाम लिख लें। उसके बाद जो वर्किंग टू है उसमें जो कॉलम के ऊपर नाम नहीं लिखे वो लिख लें, जो पहला कॉलम है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल डैश आ रही है, ये सितंबर का कॉलम है सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये कॉलम के नाम लिख लीजिएगा। अच्छा, तो सेल्स के ऊपर 70% लगाया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, और ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि अगले महीने की सेल का 80% स्टॉक है, यानी अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल 80% स्टॉक है, तो अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल 80% पिछले महीने में दिखा दिया, यानी जो अक्टूबर की सेल होनी है वो सितंबर का क्लोजिंग बना दिया, लेकिन ये 80% रहेगा कब, दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद जो जनवरी की सेल का है वो 85% लगना, तो जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक आना है वो जनवरी का 85% आना है। नहीं, जो आपको अप टू दिसंबर, तो जो दिसंबर तक है क्लोजिंग स्टॉक वो 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल है, लेकिन जो जनवरी और फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल होगा। फिर इसके बाद परचेजेस निकलेंगे, और परचेजेस के बारे में कहा हुआ है कि परचेजेस पे की जाएंगी 2 महीने बाद, यानी जो सितंबर की परचेजेस हैं उनका कैश आपको नवंबर में नजर आएगा। तो ये आ गया पेमेंट टू सप्लायर। उसके बाद वेजेस और बाकी चीजें आसान ही हैं, कमीशन वाली फिगर समझ लें, कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उन क्रेडिट सेल्स में से भी 80% उनके ऊपर हमें 5% कमीशन देनी है, तो पहले तो क्रेडिट सेल्स निकालें, यानी पूरी सेल्स का 70% लेंगे तो क्रेडिट सेल्स बनेंगे, फिर हम क्रेडिट सेल का फिर 80% लेंगे तो वो बनेंगे जिन पर कमीशन दिया है, और फिर 5% लेंगे तो कमीशन की अमाउंट आएंगे, और चूंकि ये नेक्स्ट मंथ पैसे देने हैं तो पिछले महीने की सेल्स का 70% क्रेडिट सेल्स का 80% क्रेडिट सेल में से 80% का 5% ये कमीशन आ गया। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि हर महीने हम देखेंगे कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अगर वो ओवरड्राफ्ट में जा रहा है जो कि जा रहा है तो हमें फिर उस पर बैंक को इंटरेस्ट भी देना है, तो पहले हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, नजर आ गया कि वो क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है यानी ओवरड्राफ्ट है, तो फिर हम उस पर 10% लगाएंगे, लेकिन इसमें टेक्निकल गलती बच्चे जो बोंगे मारेंगे वो ये भूल जाएंगे कि हम मंथली बना रहे हैं और 10% पर एनम है, तो उसको 1/12 करना नहीं भूलना, तो इंटरेस्ट 1/12 लगेगा, फिर ये भी पैसे बैंक से कटेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फिर और कम हो जाएगा, फिर अब जो और कम होगा वो फिर अगले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये इस सवाल में पॉसिबल मसले हो सकते हैं जो मैंने आपको समझी बता दी, इसके अलावा मजीद कुछ पूछना है तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हो गया, हमारे कैश बजट के 3 सवाल क्लास में हो गए, 2 होमवर्क डिस्कस हो गए, कैश बजट का ट्रेडिंग बिजनेस, फिर कैश बजट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक सवाल ये किया, एक मैं भी एक और करने लगा हूं। स्प्रिंग 20 ये कैश बजट का सवाल आ जाएगा, स्प्रिंग 20 कैश बजट का सवाल कर लेते हैं, ये रहेगा ना, तो कैश बजट का मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक साल अभी था और एक इसी पैटर्न का एक और सवाल करने लगा, और ये एक और सवाल जो कराऊंगा इसके कराने के बाद, कैश बजट बहुत है मेरी तरफ से, लेकिन आपको मैं कल, आज नहीं, आज आपका होमवर्क होगा यही सवाल दोबारा करना है, आज का होमवर्क है जो ये किया है ये दोबारा करना है, और जो कराने लगा वो आपने दोबारा करना है, यानी मेरा किया हुआ ही आपने दोबारा सॉल्व करना है, आज का होमवर्क ये, कल फिर मैं आपको एक और कैश बजट का सवाल दूंगा, वो आपने ही करना होगा, सोल्यूशन दूंगा उसका, आगे बारे में सोचा, ठीक है, लेकिन मैं एक सोल्यूशन और बता दूंगा, पीडीएफ अपलोड करूंगा, तो कल होमवर्क दूंगा, आज वाला होमवर्क यही जो सवाल किया है इन्हीं को आपने दोबारा करना। अब आप ऐसा करिए, पढ़ लीजिए स्प्रिंग 16 होगा, बैक की बुक है तो प्रेम बुक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पेज 260, राइस की बुक में क्वेश्चन 7 पेज 408, रेनबो पेंट्स लिमिटेड, और आई कैप में भी है लेकिन इसका आई कैप सॉल्यूशन गलत है, और पैक वाला सॉल्यूशन भी चूंकि मैंने आई कैप वाला कॉपी किया है वो गलत है, और राइस वाला भी शायद गलत ही है, क्या गलती मैं आपको बताता हूं, इसमें मटेरियल कंजम्पशन दिखाना, हां गलत, राइस वाला सॉल्यूशन भी गलत है क्योंकि मैंने आई कैप वाला ही छापा, मैं करके आपको बताता हूं क्या गलती है। रेनबो पेंट्स लिमिटेड वाला सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे,
हाँ जी पढ़ो तो बताना। ये तकरीबन मिलता जुलता सवाल है जो भी हमने किया है। ये असल में डाटा कम है क्योंकि इसमें दो रिक्वायरमेंट है, उसमें सिर्फ कैश बजट था, इसमें इनकम स्टेटमेंट भी है। तो अभी इसका मैं पार्ट बी कैश बजट करा रहा हूँ, कल फिर मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट कराऊंगा। हाँ अभी कैश बजट का सवाल करके बस इनकम स्टेटमेंट है। इस सवाल में एक नोट लिख लें, सवाल में मतलब वैसे अपने लेक्चर नोट में नोट लिख लें, कोई बात नहीं पीछे पीछे लिख लो, नोट में लिख लो किसी के ऊपर लिख लो कहीं लिख लो, एक नोट ये लिख लें ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा। क्या आपको है हाँ एक पॉइंट है, ये आपको ना टोटल सेल्स का रेशियो बताया होगा, बताया होता है कि इसमें से इतने परसेंट क्रेडिट है इतने परसेंट कैश है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब खामोशी हो तो क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये रेशियो यूनिट्स पे लगता है या कह लें कि ग्रॉस सेल्स पे लगता है। ग्रॉस सेल्स से मुराद है कि अगर कैश सेल्स, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्रॉस सेल्स 100 मिलियन है इनमें से 25% कैश सेल्स हैं और 75% क्रेडिट सेल्स हैं। ये जो 25 मिलियन कैश सेल्स हैं इन पे हमने क्रेडिट सेल वालों को तो नहीं कैश वालों को 10% डिस्काउंट देना होता है, यानी इफेक्टिवली हमारी कैश सेल रह जाती है 22.5 मिलियन। तो कैश सेल्स तो यही है ना, सेल तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही होती है ना, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद की फिगर है ये है असल में कैश सेल्स। ये तो लोटस वाला सवाल किया था कि क्या किया हुआ ट्रेड डिस्काउंट के बाद की फिगर को कैश सेल का है ना, तो क्या इसमें और इसमें 25-75 की रेशो है? नहीं, वो किसमें थी? ग्रॉस में थी। तो आपको जब टोटल सेल का रेशो कैश क्रेडिट इतना है या तो वो यूनिट्स में बताया होता है या वो बात ग्रॉस सेल्स की हो रही है, यानी डिस्काउंट हमने कैश सेल पे देना है उससे पहले पहले, उसके बाद वाले पे नहीं। जो आपको टोटल सेल की रेशो बताई होगी वो रेशो कैश इतना क्रेडिट इतना वो ग्रॉस सेल की रेशो होती है, यानी डिस्काउंट वगैरह से पहले। ये नोट लिख लें, नोट लिख लिया कैश बजट है। ये मैं अभी इस वक्त पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पार्ट ए मैंने भी नहीं सिखाया, बजट प्रॉफिट लॉस भी नहीं सिखाया, अगली क्लास में चल 29 सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं। सेल्स की वर्किंग कर रहा हूं, पिछले साल की सेल्स गिवन है और उसमें कैश भी थी और क्रेडिट भी थी, और पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम और सेल प्राइस बढ़ जाएंगी, रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स वुड बी 25-75, पिछले साल भी 25-75 थी नहीं वुड भी 25-75, यानी अगले साल 25-75 की रेशियो होगी। कैश सेल्स आर मेड डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी पिछले साल कितने करते डिस्काउंट, अगले साल कितना करेंगे। कैश सेल्स आर मेड एट 5% डिस्काउंट, तो ये अगले साल की बात हो रही है या हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे ही होता है, कैश सेल्स आर मेड तो हर साल ऐसे ही होता है, इसका मतलब 16 में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये जो 16 के अंदर 19 मिलियन की कैश सेल्स दी हुई है, सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जब आती है तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही आती है, तो ये जो 19 मिलियन है 5% डिस्काउंट के बाद है पहले के बाद है, और हमने 25-75 किसको बांटना है? ग्रॉस को, तो पहले हमें पिछले साल की ग्रॉस निकालनी पड़ेगी। 2016 की टोटल ग्रॉस सेल्स कितनी थी? टोटल ग्रॉस सेल्स 2016 की 109 दी हुई है ना बाहर, 19 इसमें से कैश है तो बाकी वो क्रेडिट है, और कैश का ग्रॉस निकालना है तो ऐसे ये क्रेडिट और ये नेट को ग्रॉस कर दिया, 19 दिन है ना 5% के बाद है यानी वो 95% है तो उनको ग्रॉस कर दिया। तो पिछले साल की जो ग्रॉस सेल्स थी वो कितनी थी? ये पिछले साल की ग्रॉस सेल्स थी। मैं ग्रॉस सेल्स क्यों निकाल रहा हूं बताया था कि आपको अगले साल की कैश और क्रेडिट सेल के लिए कहा हुआ है कि 25-75 होगी, तो क्या चीज़ है 25-75 बांटना है ग्रॉस सेल्स को बांटना। अगर ये 2016 की ग्रॉस सेल्स हैं तो 2017 की ग्रॉस सेल्स कितनी होगी? बिल्कुल पल वाला काम, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगी। कितनी वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 1.1 × 2, पिछले साल में क्वांटिटी 1.3 की थी, 1.3 आ गई, पिछले साल प्राइस नहीं बढ़ी थी अब बढ़ी 1.05। तो 2017 की ग्रॉस सेल्स कितनी होगी? अब इस 127.05 में से क्रेडिट कितनी होगी? 127.05 में से 75% होंगी क्रेडिट सेल्स,
पे तो चाहिए थी ना। और कैश सेल्स होंगी 127.05 का 25%, लेकिन 0.95 ये क्या किया मैंने, लेकिन डिस्काउंट दे दिया 30.1। और चूंकि यही मैंने निकाली ली है इसलिए यही कर देता हूँ, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स कर तो यही हुआ है। डेटर्स रिसीट का क्या साबित होगा? पॉइंट नंबर टू, डेटर से 35 दिन में पैसे मिलते हैं तो आइंदा भी ऐसे ही होगा। तो पिछले साल के 35 दिन 35 डेज ऑफ 2016 की सेल और इस साल के 325 दिन की सेल, तो 90 में से पिछले साल 90 थी ना क्रेडिट सेल 35 दिन और 95.29 में से 325 दिन 8.75 0.0 चलिए यार 3 कर लेते हैं। तो रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा 94.78, कैश सेल्स हो गए 30.17 और ये हो गया 94.78। तो रिसीट्स बन गई 124.95। ठीक है जी, सही है। आउटफ्लोस, इसमें पिछले से अच्छी बात यह है कि पिछले में दो मटेरियल तो मैं डबल वर्किंग करनी पड़ी थी, यहाँ पर एक ही है। तो मटेरियल के सप्लायर्स और ये बिल्कुल वैसी सी वर्किंग है। अच्छा, सोल्यूशन में ये फिगर पीछे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्प्रिंग 2016 में ये सवाल पहली दफा टेस्ट होता है इस तरह, पहले इस तरह के मैनुफैक्चरिंग के सवाल नहीं आते थे। और ये होता इस तरह से है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है और चूंकि वो पहली दफा बनाया होता है तो उसमें सवाल बनाने वाले की भी और सोल्यूशन बनाने वाले की भी एक लेवल तक सोच जाती है। फिर अब जब वो सवाल सामने आ चुका होता है फिर जब दोबारा और किया जाता है तो हो सकता है उसमें और गहराई पता चल जाए। तो हुआ ये था कि 2016 में सवाल पहली दफा आया और ये जो मैं अभी मटेरियल सप्लाई की वर्किंग करूंगा ये चूंकि पहली दफा था तो सोल्यूशन बनाने वाले से मामला हैंडल नहीं हुआ एक्यूरेटली और ये गलत सोल्यूशन ही स्प्रिंग 16 में आया। फिर यही सवाल आगे 2-3 दफा टेस्ट हुआ, यानी यही वाली वर्किंग, लेकिन तब तक सवाल बनाने वाले में और गहराई आ चुकी थी तो उसने अगले अटेम्प्ट में ये ठीक कर लिया हुआ। ये जो मैं पॉइंट बताने लगा एक्चुअली वही पॉइंट है जो कल हम ऑटम 16 में कर रहे थे। पहली दफा स्प्रिंग 16 में आया था सही गहराई में नहीं जा सके, अगली दफा सवाल बनाने वाले ने और किया तो वो और करके और बेहतर चीज बन गई। तो स्प्रिंग 16 का जो सोल्यूशन किताबों में छपा हुआ वही आईकैप वाला गलत वाला है जो कि ठीक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अच्छी तरह की चीज मैं अभी इंतजार कर रहा हूं आईकैप से क्लियर करनी है। ये जो सवाल किया था सिग्मा बीटा वाला प्रोसेस में, सिग्मा बीटा थीटा, फिर उसके बाद वो ऑटम 17 का सवाल किया था, उसमें भी एक टेक्निकल फ्लॉ लगा मुझे कुछ अच्छे से, तो वो मैं पहले आईकैप से क्लियर कर लूं उनके सोल्यूशन में, हो सकता है मैं उसमें कुछ चीज अमेंड करा दूं बाद में। तो जब भी वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनता है ना तो अगली दफा में चूंकि सोचने वालों के सामने पिक्चर आ जाती है फिर उसको और करके और इंप्रूव कर लेते हैं। तो इस दफा स्प्रिंग 16 में ये चीज पहली दफा टेस्ट हुई थी और जो सही हैंडल नहीं हो सकी, अगली टाइम से इसको बेहतर कर लिया। क्या भी मैं बता दूं तो पता चल जाएगा आपको मटेरियल की वर्किंग करने लगा सप्लायर की। अच्छा, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, क्या मटेरियल महंगा भी हो रहा है लेकिन पहले भी कुछ पड़ा हुआ था तो क्या मसला होगा? फिर जो अगले साल मटेरियल इस्तेमाल होगा उसमें कुछ पुराना सस्ता वाला और बाकी नया महंगा वाला, इस मिक्सचर की वजह से क्या करूं मैं वर्किंग को? बिल्कुल पिछले साल में क्या किया था, पहले इग्नोरिंग प्राइस चेंज किया था। तो अभी भी ऐसा कर लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2016 में कितनी थी? 30 है, अरे वो तो इनकम स्टेटमेंट है ना, 30। 16 में इतनी मटेरियल कंजम्पशन थी, 2017 में पहले कर लेते हैं इग्नोरिंग प्राइस चेंज, बिल्कुल जैसे पिछला सवाल किया था। इग्नोरिंग प्राइस चेंज 17 का रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा? 30। 17 में चीजें और क्वांटिटी में ज्यादा बिकेंगी, कितनी ज्यादा बिकेंगी? 10%। 10% ज्यादा बिकेंगी तो बनेंगी भी 10% ज्यादा, जब ज्यादा 10% बनेंगी तो फिर मटेरियल ओवरहेड सब 10% ज्यादा लगेगा तो वो क्वांटिटी चेंज आ गई। तो फिर कितनी मटेरियल कंजम्पशन होनी है अगले साल? 33। ये बिल्कुल कल वाले सवाल के ऊपर पैटर्न पे कर रहा हूं मैं। ओपनिंग कितना? ओपनिंग दिया नहीं है लेकिन एक अंग्रेजी में समझाया हुआ है, यानी 16 का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ लेकिन अंग्रेजी में समझाया हुआ है। क्या? नहीं, वो फिनिश गुड्स की बात हो रही है, हम रॉ मटेरियल की बहुत केयरफुल पढ़ा करें सवाल। ओपनिंग क्लोजिंग सेम जो है ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 3, दूसरा सेंटेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी क्वांटिटी बोलती है, फिनिश गुड्स की बात है। रॉ मटेरियल का सेंटेंस से पिछला है, क्या कि जो कंजम्पशन है ना पूरे साल की उसको 30 डेज का निकालेंगे जो आंसर आएगा वो इन्वेंटरी होगी, यानी 16 की कंजम्पशन कितनी थी? 16 की कंजम्पशन, ये 16 की कंजम्पशन थी। 30 दिन की कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या करें? 30/360। 16 की कंजम्पशन ये थी, 16 की, तो कंजम्पशन के 30 दिन के बराबर स्टॉक होता तो 16 में स्टॉक इसका मतलब कितना था? कितना था?
और यही काम अगले साल 17 में भी होगा, तो 17 में कंजम्पशन 33 होगी, तो 30 दिन के लिए क्या करें? या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कल किया था, क्योंकि स्टॉक और कंजम्पशन का रेशियो सेम है, तो जब कंजम्पशन 10% बढ़ गया तो आप स्टॉक को भी 10% बढ़ा सकते हैं। ये निकल आएंगी 17 की परचेजेस कितनी, 25। इतनी हमें 17 में चाहिए होंगी परचेजेस, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो कीमतें बढ़ गई होंगी, इन्फ्लेशन डाल के ही चीजें महंगी मिलेंगी। कितनी कितनी इन्फ्लेशन लगनी है 33.25 पे, मटेरियल में कितना महंगा हो जाना है 0.5, यानी 1.1। कितना हो गया? और इसके लिए पेमेंट टर्म्स क्या अग्रीड है? क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट टर्म्स क्या अग्रीड है? पॉइंट नंबर 2, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 40 दिन की है, तो 2017 की परचेजेस में से कितने दिन के पैसे पे हो जाएंगे? 320 दिन के, 36.58 × 320/360 कितना? 32 पॉइंट। और 2016 में से, लेकिन 2016 की परचेजेस नहीं पता, तो एग्जामिनर की मेहरबानी कि उसने हमें इस लाइन को कैलकुलेट करने के चक्कर में डालने की बजाय, ये जो भी फिगर होती ये वो होती ना जो 16 में चीजें खरीदी थी, पैसे तब नहीं दिए थे, तो क्या थे पहले 16 के क्रेडिटर्स? वो दिए हमें सवाल में, कहाँ दिए हमें? पॉइंट नंबर 4 में दिए हमें। तो ये वो पैसे हैं जो 17 में आके हम देंगे, तो वो जो यहाँ लिखा था ना 40 दिन और 2016, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद दे दिया हमें। कितने? 3। तो पेमेंट कितनी बन जाएंगे? 35.52। आगे क्या है? मटेरियल के बाद है कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन फिक्स, ऑपरेटिंग वेरिएबल, ऑपरेटिंग फिक्स, बिल्कुल वैसी चार लाइनें जैसे पिछले साल में थी। वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स कन्वर्जन, वेरिएबल ऑपरेटिंग और फिक्स ऑपरेटिंग, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5 और वर्किंग 6। अच्छा, मैं चारों बिल्कुल वैसी सी लाइनें जैसे पिछले साल में थी, तो उसको मैं स्पीड से कर रहा हूं। ऑल अदर कॉस्ट के लिए पेमेंट टर्म्स क्या है? 25 दिन, ये ज्यादा स्पीड स्पीड से मिलेगा। वर्किंग 3, वेरिएबल कन्वर्जन 2016, वेरिएबल कन्वर्जन 2017, पेमेंट्स
25 दिन ऑफ 2016 और 335 दिन ऑफ 2017 वर्किंग फोर फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 2016 फिक्स्ड कन्वर्जन एक्सक्लूडिंग बिल्कुल पिछले साल की तरह इसमें स्पीड से कर रहा हूँ 2017 पेमेंट्स 25 दिन 16 के और 335 दिन 17 के चल 2016 में वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी 17 में एक तो इसमें वॉल्यूम चेंज आएगा वॉल्यूम चेंज क्यों आएगा क्योंकि सेल्स ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वेरिएबल ज्यादा होंगे 1.1 इसके अलावा महंगाई भी आनी है कितनी महंगाई आनी है वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 8% 1.08 तो 18 में से 25 दिन और 21.38 में से 335 दिन 1.25 2016 के फिक्स्ड कन्वर्जन डेप्रिसिएशन के अलावा 9 मिलियन फिक्स्ड है इसलिए ये सिर्फ महंगा होगा 9.72 मिलियन 9 मिलियन में से 25 दिन और 9.72 में से 335 दिन 0.63 ये 9.72 है 9.05 तो ये हो गया 9.68 और बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल कन्वर्जन वेरिएबल ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2016 के 25 मिलियन क्योंकि वेरिएबल है तो इनमें वॉल्यूम चेंज भी आएगा और महंगाई भी आएगी 29.7 और 25 मिलियन में से 25 दिन और 29.7 में से 335 दिन 1.74 27.64 29.38 ये बिल्कुल वो कल वाले जैसे ही है आसान पिछले साल फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के अलावा इसके साथ इनकम स्टेटमेंट हाँ वो कल बताऊंगा वो ये आधा काम से हो गया आधे से ज्यादा हो गया बिल्कुल ऐसे ही डेप्रिसिएशन के अलावा 5 मिलियन है और अगले साल ये 5 मिलियन महंगा हो जाएगा तो 5 मिलियन में से 25 दिन और 5.4 में से 335 दिन 0.35 पौने दो घंटे का हो गया लास्ट चीज है अभी और ये इसमें चीज ये तो वो आइटम थी जो पिछले साल भी इनकर हुई थी इस साल एक नया काम भी होना पॉइंट नंबर 6 में कि हम एक नया एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं जिस बंदे ने हमसे ये एग्री किया कि वो हमारी 6 महीने तक कैंपेन करेगा और हम उसको पैसे देंगे 3-3 मिलियन करके 1-3 मिलियन देंगे सितंबर में और 1-3 मिलियन देंगे मार्च में तो मार्च को हमारे से आगे निकल जाएगा ना हम तो फरवरी तक बना रहे हैं तो मार्च वाली पेमेंट तो आगे निकल जाएगी तो 3 मिलियन वाली पेमेंट आ जाएगी 3 ये हो जाएगा पेमेंट्स यानी आउटफ्लोज का टोटल और इसमें भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो बस सिर्फ इसके नीचे आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है ये हो गया जी कैश चलो हो जाएगा ये हो गया कैश बजट 104.11 सही है और बाकी नेट आ जाएगा जो भी 20 समथिंग कैश बजट काफी है इसमें आपका होमवर्क आज का यही है कि आपने यही सवाल दोबारा करने हैं
तिर्मिज़ी में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार बना देती है, ऐब फॉल्ट, और हया जिस चीज़ में भी होती है उसे ज़ीनत अता करती है। दोबारा, जिस चीज़ में बेहयाई होती है वो उसे ऐबदार बना देती है, फॉल्ट आ जाता है उसमें, वो चीज़ सही नहीं रहती, और हया जिस चीज़ में भी हो उसे ज़ीनत अता करती है। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।